डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पॉइंट ग्रुप्स को अब ये पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं और इनके कुछ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो क्या होती हैं वो सब हम आज स्टडी करने वाले हैं तो सबसे पहले हम पॉइंट ग्रुप की डेफिनेशन में जाएंगे कि अ ग्रुप इज डिफाइंड इज अ कम्प्लीट सेट ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिट्री एलिमेंट्स नहीं है सिमिट्री ऑपरेशंस की बात हो रही है तो सिर्फ एलिमेंट्स वर्ड यूज़ किया है सिमिट्री एलिमेंट्स नहीं है ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिमिट्री ऑपरेशन है ये विच ओबे अ सर्टेन सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय सर्टेन रूल्स यानी कि एक ग्रुप को हम पॉइंट ग्रुप तब बोलेंगे मतलब पॉइंट ग्रुप होता क्या है एक्चुअल में ये कुछ सिमिट्री ऑपरेशंस का एक कंप्लीट सेट है यानी कि बहुत सारे सिमिट्री ऑपरेशंस को मिलाकर बस एक पॉइंट ग्रुप बन जाता है लेकिन वो पॉइंट ग्रुप तभी कहलाएगा जब वो कुछ मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करेगा या कुछ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करेगा अब ये कंप्लीट सेट से क्या मतलब होता है कंप्लीट सेट का मतलब है जितने भी उस ग्रुप में हमने सिमेट्री ऑपरेशंस लिए हुए हैं तो अगर कोई भी हम दो सिमेट्री ऑपरेशंस ले लें कोई भी दो सिमेट्री ऑपरेशंस तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी अपने आप में उस ग्रुप का कोई ना कोई सिमेट्री ऑपरेशन होगा इसको अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे कि कंप्लीट सेट का क्या मतलब है तो ये तो हुई पॉइंट ग्रुप की डेफिनेशन और अब हम देखेंगे ये कि पॉइंट ग्रुप इनको बोलते क्यों हैं तो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सिमेट्री ऑपरेशन इन अ मॉलिक्यूल ऑल द एक्सेस पॉइंट्स एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलीक्यूल इंटरसेक्ट एट वन कॉमन इनवेरियंट पॉइंट विच रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द सिमेट्री ऑपरेशन एंड हैंस द टर्म पॉइंट ग्रुप इज यूज मतलब क्या हुआ इसका कि जब हम ये सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो जितने भी हम एलिमेंट्स इसमें यूज कर रहे हैं जैसे एक्सेस ऑफ सिमेट्री यूज कर रहे हैं या हम पॉइंट ले रहे हैं यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यूज कर रहे हैं या प्लेन ऑफ सिमेट्री तो जितने भी हम सिमेट्री ऑपरेशन या सिमेट्री एलिमेंट्स उसमें देख रहे हैं तो जब भी वो सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स या पॉइंट्स जो भी ऑपरेशन हैं वो सब किसी ना किसी एक कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्ट जरूर करते हैं तो जब वो कॉमन पॉइंट को और जिस कॉमन पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करते हैं वो हमेशा अनचेंज रहता है जब हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर लें उसके बाद बाद भी, बाद भी. तो क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए तो तो क्या होता है या की क्या हो गई? अब हम इसमें देखेंगे कि कौन से मैथमेटिकल रूल्स हैं जो जरूरी हैं किसी ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए तो मैथमेटिकल रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में सबसे पहला रूल जो आता है वो है क्लोजर रूल अब ये क्लोजर रूल से क्या मतलब है? क्लोजर रूल का मतलब हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स एंड द स्क्वायर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप मतलब अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप जो है काफी सारे सिमिट्री ऑपरेशन से मिलकर बना हुआ है उन्हीं सीमिट्री ऑपरेशन के लिए वर्ड हमने सिर्फ एलिमेंट यूज कर लिया है यहाँ पर तो कोई भी दो सिमिट्री ऑपरेशन हमने लिए और वो दो सीमेट्री ऑपरेशन का जो प्रोडक्ट है वो जो है अपने आप में एक सिमिट्री ऑपरेशन होना चाहिए और यही एकदम कंप्लीट सेट की भी डेफिनेशन थी कि कंप्लीट सेट क्या होता है जैसे सपोज अगर हमने मान लिया लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स इन अ ग्रुप किसी ग्रुप में ए या बी दो एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं या तो ऐसा होगा कि ए बी का प्रोडक्ट सी के बराबर होगा या बी ए का प्रोडक्ट सी के बराबर होगा ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में अपने प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट कि जो भी ऑपरेशन हम बाद में लिखते हैं उसको हम पहले अप्लाई करते हैं और जो हम पहले लिखते हैं उसको बाद में अप्लाई करते हैं तो अगर हमारे ये दो सिमेट्री ऑपरेशन थे और पहले हमने बी अप्लाई किया और उसके बाद हमने ए अप्लाई किया और उसका आंसर आया सी या हमने पहले ए अप्लाई किया और फिर बी अप्लाई किया उसका भी आंसर सी यानी दोनों का सेम आंसर आया तो जो ये सी है ये सी

तो ये सिचुएशन जो है फॉलो होनी चाहिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कम्यूट, देन द ग्रुप इज कॉल्ड एबेलियन और साइक्लिक ग्रुप और ऐसे ग्रुप को जिसमें कि उसके सारे एलिमेंट्स आप किसी भी दो कोई भी जब अभी हम आगे जाके पॉइंट ग्रुप डिस्कस करेंगे आप ये अपने आप से करके देखेगा जितने भी हमने सिमिट्री ऑपरेशन उसमें अप्लाई किए हैं कोई भी दो सिमेट्री ऑपरेशंस उठाइए और उनका प्रोडक्ट देखिए और प्रोडक्ट जो है वो उसी ग्रुप में प्रेजेंट होगा ठीक है और अगर सारे एलिमेंट्स को हम किन्हीं भी दो को कोई भी दो हम उठाए जा रहे हैं उनका प्रोडक्ट देखे जा रहे हैं तो प्रोडक्ट अगर हमारा सेम आए जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं और जब कभी भी सारे एलिमेंट्स ग्रुप के कम्यूट करते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम एबेलियन या साइक्लिक ग्रुप बोल देते हैं तो एक सिचुएशन तो ये होगा कि जब दोनों का आंसर हमारा सेम आया लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ए बी का आंसर तो सी आई यानी दोनों का प्रोडक्ट सी आई लेकिन बी ए का प्रोडक्ट जो है वो डी आए तो यहां पर सी और डी भी दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उस ग्रुप में प्रेजेंट होने चाहिए ठीक है पहली बात तो हुई ये और दूसरी बात ये हुई कि जब ऐसी सिचुएशन होगी जब दोनों का आंसर डिफरेंट होगा तब हम बोलेंगे कि ए और बी एक दूसरे को कम्यूट नहीं करते हैं और ऐसे ग्रुप को हम नॉन एबेलियन या नॉन साइक्लिक ग्रुप बोल देते हैं ठीक है अच्छा और फिर हम इसके स्क्वायर की भी ये तो हो गई प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स की बात ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट का अगर स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर जो भी प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट भी उस ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए देखिए इसी को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा क्लोजर रूल को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जैसे हमारे पास एच मॉलिक्यूल है अब एच मॉलिक्यूल में मैंने आपको एक तो सिमिट्री एलिमेंट जो सिमिट्री ऑपरेशन uh, होता है ई तो सब में प्रेजेंट होता ही होता है आइडेंटिटी यानी सब में प्रेजेंट होगी इसमें एक सी टू प्रेजेंट होती है एक सिग्मा वी दो सिग्मा वी होते हैं इसको मैंने एक को सिग्मा वन और सिग्मा V2 लिख दिया है देखिए वो कैसे जब मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल के बारे में समझाया था जब हमने ये सारे ऑपरेशन uh, किए थे यानी कि जब ये सारी की सारी समझी थी प्रॉपर एक्सीज ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री तब मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल लेके समझाया भी था लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए देखिए ई तो सभी में प्रेजेंट होता है आइडेंटिटी सभी में प्रेजेंट होती है क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम थ्री डिग्री घुमाएंगे तो हमें वापस से सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कुछ ना करना तो ई तो सब में है ही अब इसमें सी कैसे है ये ऑक्सीजन है ये दोनों हाइड्रोजन है सी है इस तरह से लगी हुई ठीक है और इसके अलाग अगर मैं इसको वन डिग्री पर घुमा दूंगी तो मुझे फिर से वापस से हमें इक्वलेंट कॉन्फिग्रेशन मिलेगा ठीक है तो इसलिए C2 भी प्रेजेंट है सिग्मा V1 क्या है सिग्मा V1 है यहाँ पर सिग्मा V1 मैंने माना है इस वाले प्लेन को मैंने सिग्मा V और सिग्मा एच सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिएगा तभी आपको यहाँ पर आकर समझ में आएगा तो अगर हम एक प्लेन ऐसे लगाएं जो ऑक्सीजन को तो कट कर देगा और ये जो एच है ये यहाँ और ये एच यहाँ दोनों ये यानी कि ये दोनों एच एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे और सिग्मा वी टू मैंने यहाँ पर क्या लिया है सिग्मा वी टू है जो मॉलिकुलर प्लेन है जो इस ऑक्सीजन को और इन दोनों हाइड्रोजन को कट करता हुआ चला जाएगा तो जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन हुए वो यहां पर ये हुए ई सी टू सिग्मा वी वन सिग्मा वी टू या हम ये भी कह सकते हैं ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ठीक है अब हम जो क्लोजर रूल अप्लाई कर रहे हैं हम ले रहे हैं कि कोई भी दो सिमिट्री ऑपरेशन हम लेंगे और उनका प्रोडक्ट देखेंगे और वो जो प्रोडक्ट है वो उस ग्रुप में ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए यानी वो भी कोई सिमिट्री ऑपरेशन होना चाहिए जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिया है सी टू और सिग्मा वी वन इन दोनों का प्रोडक्ट हम देखेंगे सिग्मा वी वन फिर से आपको बता दे रही हूँ सिग्मा वी वन मैं मान रही हूँ इसको जो कि इन दोनों एच को एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट करेगा और सिग्मा वी टू है मॉलिक्युलर प्लेन जो इस तरीके से जा रहा है तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा सिग्मा वी टू वो हम मॉलिक्यूल के थ्रू देख लेते हैं देखिए यहां पर क्या हुआ मैंने ये ऑक्सीजन है ये एच वन और ये एच टू लिया जब मैं इसमें सिग्मा वी वन लगाऊंगी तो सिग्मा वी वन लगेगा कुछ इस तरीके से यानी एच वन और एच टू एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है एच वन एच टू की जगह पर और एच टू एच वन की जगह पर दिखाई देगा ठीक है फिर मैं इसमें सी टू अप्लाई करूंगी और सी टू अप्लाई करने का मतलब हुआ ये वाली ये एक्सीज है सी टू और C2 के अराउंड क्या होगा 180 डिग्री का रोटेशन होगा H2 इधर चला जाएगा और H1 इधर चला जाएगा और यहाँ पर फेस चेंज हो जाएगी मॉलिक्यूल की देखिए कैसे ये था हमारा ऑक्सीजन ये H2 मान लिया ये H1 और अगर मैंने C2 टू अप्लाई की C2 है हमारी ऐसे लगी हुई यानी कि ये वाली एक्सिस और इसके अलांग घुमाने का मतलब है इस तरह से रोटेट करना तो इस तरह से अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो आप देख रहे हैं ये थी हमारी टॉप फेस और नीचे वाली है बॉटम फेस तो जब मैं इसको C2 टू अप्लाई कर रही हूँ तो बॉटम टॉप फेस बन जा रही है और टॉप फेस बॉटम फेस बन जा रही है तो फेस चेंज हो गई है तो फेस चेंज को मैंने कुछ इस तरीके से दिखा दिया है ठीक है अब देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जाऊँ तो डायरेक्टली जाने पर क्या हुआ कि अगर सपोज मैं इसमें एक सिग्मा वी टू लगा दूं सिग्मा वी टू मतलब मैंने आपको बताया ये वाला प्लेन मोलिकुलर प्लेन जो इस ऑक्सीजन को एच वन और एच टू को कट करता हुआ जाएगा और इस तरह से कट करेगा कि हर एटम का जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर दिखाई देगा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे दिखाई देगा यानी कि फिर से मॉलिक्यूल की फेस चेंज हो जाएगी तो यहां से यहां जाने पर यही तो हुआ है कि फेस चेंज हो रही है एच वन अपनी जगह पे एच टू अपनी जगह पे ऑक्सीजन अपनी जगह पे लेकिन सिर्फ फेस चेंज हो रही है तो उसी को हमने सिग्मा वी टू माना है और सिग्मा वी टू यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है यानी इस ग्रुप का एलिमेंट है सिग्मा v2 जो ऑलरेडी प्रेजेंट है यानी जो भी हमने दो सिमेट्री ऑपरेशंस उनका प्रोडक्ट देखा वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए या जैसे अगर इसके अलावा मैं ये वाले दोनों कोई भी आप दो ऑपरेशंस आप, आप, को निकाल सकते हैं तो मैंने सिग्मा v1 और सिग्मा v2 का अगर प्रोडक्ट देखूं तो उसका आंसर देखिए c2 आएगा कैसे आएगा ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर मैंने सिग्मा वी टू वी टू मैंने क्या माना मोलिकुलर प्लेन मॉलिकुलर प्लेन क्या करता है फेस को चेंज कर देता है और एटम्स अपनी जगह पर रहते हैं तो ये ओ एच वन एच टू अपनी जगह पर है, लेकिन सिर्फ फेस चेंज हो गई है अब इसमें सिग्मा वी वन अप्लाई किया जब सिग्मा वी वन अप्लाई किया तो वो इस तरह से लगेगा एच वन और एच टू अपनी जगह को चेंज करेंगे यानी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे फेस वैसी की वैसी रहेगी जैसे यहां पर है यानी ये बॉटम फेस थी तो बॉटम फेस ही रहेगी एच टू बस यहां आ जाएगा और एच वन यहां आ जाएगा ठीक है अब अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहां जाऊं तो क्या हुआ है? इस पर ऐसा ही तो लग रहा है कि सी टू अप्लाई किया क्योंकि अगर मैं इस पर सी टू अप्लाई करूंगी तो सी टू अप्लाई करने पर क्या होगा एच टू यहां आ जाएगा और एच वन यहां और मॉलिक्यूल की फेस भी चेंज हो जाएगी तो वो फेस चेंज हो गई है तो और सी टू यहां पर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है तो इस तरह से हम देख लेते हैं इसी ऐसी को हम कंप्लीट सेट बोलते हैं और ऐसा ही सेट हमारा क्लोजर रूल को फॉलो करता है क्लोजर रूल मतलब दो कोई भी दो सिमिट्री ऑपरेशंस आपने उठाए उनका प्रोडक्ट देखा और वो प्रोडक्ट जो है उस ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए एज अ सिमिट्री ऑपरेशन ठीक है तो ये तो हो गया हमारा क्लोजर रूल अच्छा और ये दोनों सिचुएशंस भी हो गए ये दूसरी सिचुएशन आप मैं जब कभी आगे मैंने आपको समझाया भी था जब मैंने इससे पहले प्रोडक्ट ऑफ़ सिमेट्री ऑपरेशन था कि यहाँ पर नॉन कॉम कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो वो आप वो वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया वो एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल हुआ था ठीक है अब नंबर सेकेंड आता है इसमें एसोसिएटिव रूल अब ये एसोसिएटिव रूल क्या है ये होता है ऑल द सिमिट्री एलिमेंट्स मस्ट ओबे द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि अगर ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप कोई एलिमेंट ये ग्रुप है ए फिर हमने ब्रैकेट में बी सी लिखा इज इक्वल टू ए बी और सी मल्टीप्लीकेशन का रूल जब हम मैथमेटिक्स में देखते हैं तो वो भी तो हम इसी तरह से कर लेते हैं सपोज ए की जगह मैंने टू लिख दिया और थ्री इंटू फोर ये भी मल्टीप्लाई और या मैं इसको ऐसे लिख दूँ टू इंटू थ्री इंटू फोर दोनों का इसका भी आंसर सेम और इसका भी आंसर सेम आएगा तो यही एसोसिएटिव रूल हमारे ग्रुप्स भी फॉलो करने चाहिए यानी उनके सिमिट्री ऑपरेशंस भी फॉलो करने चाहिए कैसे जैसे हम यहां देख लेते हैं जैसे सपोज मैंने किया सी टू सिगमा वन सिगमा सिगमा वी वन है एक्चुअल में ये और सिग्मा वी टू और ये सी टू सिग्मा वन सिग्मा टू ले लिया दोनों आप देखेंगे इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा दोनों इसलिए एक दूसरे के इक्वल है कैसे अगर मान लीजिए यहां पर मैंने क्या कर रखा है कि पहले हम यहाँ पर सिग्मा टू अप्लाई करेंगे और फिर सिग्मा वन जैसे मैंने यहां पर सिग्मा टू अप्लाई किया और फिर सिग्मा वन और उसके बाद अगर मैं इस पर सी टू अप्लाई कर दूं तो अगर मैं इस पर सी टू अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा ये एच वन और ये एच टू हो जाएगा फेस भी चेंज हो जाएगी और एच वन इधर चला जाएगा और एच टू इधर चला जाएगा तो ये और ये आप देख रहे हैं ये वाला पहला यानी ओरिजिनल मॉलिक्यूल ही तो हमें मिल गया तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल इसका मतलब यहां से यहां अगर मैं डायरेक्ट तो ऐसा लगेगा कि हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया ही नहीं है यानी कि हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल मिल गया तो e मिल गया तो तो ई इसलिए इसका आंसर हो गया ई e. और अगर मैं दूसरा ऑपरेशन देखू तो सी टू सिग्मा वन में पहले हम अगर सिग्मा वन अप्लाई करें जैसे यहां पर मैंने अप्लाई किया था और फिर हम सी टू अप्लाई करें और उसके ऊपर फिर से हम सिग्मा टू अप्लाई करें सिग्मा टू का क्या मतलब होता है कि जो फेस को चेंज करेगा मॉलिक्यूल एटम्स अपनी जगह पर रहेंगे तो ये फेस चेंज हो गई और अगर मैं यहां से यहां डायरेक्ट जाऊं तो क्या लगेगा बिल्कुल हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल गया और जब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल यानी हमने मॉलिक्यूल में कुछ कराया ही नहीं है तो ई आंसर आ जाएगा इसका तो इस तरह से तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है कि हम कोई भी ग्रुप किसी को भी अगर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं या ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं सबको अगर प्रोडक्ट देख रहे हैं तो सबका प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है नंबर थर्ड इज आइडेंटिटी रूल अब ये आइडेंटिटी रूल क्या है आइडेंटिटी रूल में क्या होगा देयर शुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द ग्रुप विच वेन कंबाइंड विद ऑल अदर एलिमेंट्स मस्ट लीव दैम अनचेंज मतलब कि हर ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जब हम उसे किसी दूसरे के साथ कंबाइन करें यानी उन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो जो प्रोडक्ट आए वो वही आए जिस एलिमेंट से हमने उसको मल्टीप्लाई किया था और ऐसा एलिमेंट जो होता है वो हर ग्रुप में ई होता है अगर आप ई को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही एलिमेंट आंसर में आ जाएगा जैसे ए ई e करें या ई e, ए करें यानी ई e को पहले अप्लाई करें फिर ए को या पहले ए को अप्लाई करें फिर ई e को तो आंसर हमेशा ए आएगा मतलब आइडेंटिटी को आप जिस भी सिमेट्री ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आंसर सिमिट्री ऑपरेशन ही आता है जिससे आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी ई e है या ई e, बी है तो आंसर हमेशा बी आएगा इसको हम कैसे समझ सकते हैं जैसे आइडेंटिटी रूल जैसे हमारा मैथमेटिक्स में नंबर वन होता है वन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा वही नंबर आएगा जिस नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करें थे तो ई तो का मतलब समझ लीजिए मैथमेटिक्स में जो वन होता है वही यहां पर ई का नंबर हो ई का मतलब होता है ई को आप किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे वही सिमेट्री ऑपरेशन आंसर में आएगा जैसे मान लीजिए मैंने ई और सी टू को का प्रोडक्ट देखना है यानी मल्टीप्लिकेशन देखनी है या इनका कॉम्बिनेशन देखना है एक ही बात है तो आंसर सी टू आएगा कैसे अब अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं पहले सी टू अप्लाई करूंगी और फिर मैं उस पर ई e देखूंगी तो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऐसे C2 अप्लाई करने पर क्या होगा फेस चेंज हो जाएगी H2 टू यहाँ चला जाएगा और H1 वन यहाँ चला जाएगा तो ये H2 और फिर से अगर मैं इस पर आइडेंटिटी लगा दूँ आइडेंटिटी का मतलब होता है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी ना करने का मतलब एज इट इज मुझे ये मिल जाएगा और ये क्या चीज़ है ये एक्चुअल में सी ही तो है इससे अगर मैं डायरेक्टली यहाँ जाऊँ तो ये सी ही होता है तो आंसर हमारा वही तो हमेशा क्या करता है आइडेंटिटी आइडेंटिटी जिस भी सिमिट्री ऑपरेशन के साथ कॉम्बाइन किया जाता है वो उसको हमेशा अनचेंज छोड़ देता है उसको एज इट इज रख देता है ठीक है तो ये हमारा आइडेंटिटी रूल हो गया अब नंबर फोर्थ आता है इसमें इनवर्स रूल इनवर्स रूल क्या होता है ईच एलिमेंट हैज़ अ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल मीन्स ठीक उल्टा जैसे अगर प्लस वन है तो उसका ठीक उल्टा माइनस वन होता है या और माइनस वन का ठीक उल्टा प्लस वन होता है तो ठीक वही रेसिप्रोकल इनवर्स जिसको हम बोल देते हैं विच इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप यानी हर एलिमेंट का एक रेसिप्रोकल भी होगा जो उस ग्रुप का एक एलिमेंट होगा कैसे इसको समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल का मतलब समझा रखा है मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल माइनस वन प्लस वन हो जाएंगे और हमारे ग्रुप के लिए क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल ऑफ एन एलिमेंट इज वन विच वेन मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंट विल गिव ई एज द प्रोडक्ट यानी रेसिप्रोकल उस जिस भी एलिमेंट का हम रेसिप्रोकल चेक कर रहे हैं तो जब हम उस रेसिप्रोकल को उस एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा ई e आना चाहिए तो अगर आंसर e, जिस अगर ई e आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका रेसिप्रोकल हो गया जैसे कि इफ ए इज एन एलिमेंट अगर हमने ए को कोई एलिमेंट माना तो उसका रेसिप्रोकल ए माइनस वन हो जाएगा क्योंकि ए क्या है ए को हम प्लस वन दिखाते ही तो नहीं लेकिन प्लस वन लिख सकते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ए माइनस वन हो जाएगा तो ए माइनस वन इज इट्स रेसिप्रोकल तो क्या होगा ए ए माइनस वन यानी दोनों का प्रोडक्ट चाहे तो हम ए माइनस वन को पहले अप्लाई करें फिर ए को या ए ए को पहले अप्लाई करें ए माइनस वन को दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ई है तो जब भी कभी आप ऐसे भी कह सकते हैं जिन दो सिमिट्री ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं हम आ, और हमारा आंसर आ रहा है ई e. तो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रेसिप्रोकल एलिमेंट का वो होगा जब हम उसे उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा ई e आएगा अब हम एक एक करके जितने भी हमने सिमेट्री एलिमेंट्स लिए थे उनका रेसिप्रोकल देखेंगे जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इनवर्स ऑफ सिग्मा अब सिग्मा का इनवर्स या सिग्मा का रेसिप्रोकल ठीक है एक ही बात है तो सिग्मा के लिए जो इन्वर्स होता है वो सिग्मा ही होता है अपने आप में क्योंकि सिग्मा को जब हम सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और मैंने आपको बताया था सिग्मा की जब पावर इवन होती है तो हमेशा आंसर ई होता है और सिग्मा की पावर अगर ऑड होती है तो हमेशा आंसर सिग्मा होता है कैसे देखिए यहां पर देख लेते हैं हम ये हमारा मॉलिक्यूल था मॉलिक्यूल पर हमने सिग्मा वन अप्लाई किया सिग्मा वन का मतलब है कि हमने यहां पर H1 और H2 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे ऑक्सीजन अपनी जगह पर रहेगा तो H2 और H1 ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया और अगर हम दोबारा इसमें सिग्मा V1 लगाएंगे तो दोबारा से लगाने पर क्या होगा फिर से पोजीशन H1 और H2 टू अपनी चेंज करेंगे तो H1 वन यहां तो यानी वापस से हमें सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा जो हमने यहां पर लिया था ओरिजिनल तो डायरेक्टली अगर हम इसमें जाएंगे तो लगेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं है तो E मिल जाएगा हमें तो दोनों का प्रोडक्ट जो आया सिग्मा वी और सिग्मा वी दोबारा से अप्लाई करने पर तो हमारे पास हो गया E तो सिग्मा का रेसिप्रोकल क्या हो गया क्योंकि सिग्मा को सिग्मा से ही मल्टीप्लाई करने पर E आ रहा है तो इसलिए दोनों एक दूसरे के रसीपी यानी सिग्मा का रेसिप्रोकल सिग्मा ही हो जाएगा ठीक ऐसे ही इनवर्स ऑफ i I क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री तो i का रेसिप्रोकल भी हमेशा i ही होता है कैसे ये देख लेते हैं यहां पर ये हमारे पास ptcl4 फोर का एग्जाम्पल है जिसमें मैंने नंबर कर दिया है वन टू थ्री फोर को आई हमने लगाया आई क्या करता है जितने भी एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में मतलब सेंटर एटम को छोड़कर सेंटर एटम अपनी जगह पे रहेगा बाकी सारे एटम्स अपनी पोजिशन को एक्सचेंज कर लेते हैं ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सब मैंने आई आपको समझाया हुआ है तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री का आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा आई क्या होता है तो यहां पर क्या होगा टू फोर की जगह चला जाएगा और फोर टू की जगह ऐसे ही सीएल वन सीएल थ्री की जगह और सीएल थ्री सीएल वन की जगह तो हमने यहां पर इसमें आई लगाया अब अगर हम दोबारा इसमें आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से फोर टू की जगह टू फोर की जगह यानी अपनी पोजिशन पर वापस आ जाएंगे थ्री वन पे और वन थ्री पे तो ये वापस आ गए और यहां से यहां हम डायरेक्टली गए तो आई ई मिल गया हमें तो यानी आई को दोबारा से जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें फिर से ई मिलता है तो आई का रेसिप्रोकल या आई का इन्वर्स हमेशा आई ही होता है तो ये दोनों तो एक दूसरे के इन्वर्स हो गए अच्छा अब हम देखेंगे ऑफ एन हो जो होता है ऑर्डर होता है ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं कितने एंगल पर हमने उसको रोटेट किया है तो 360 से उस एंगल से हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा और थीटा वो जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा तो वहां तो ऑर्डर निकल जाता है और अगर हम ऐसे लिख रही हूं कि फोर फोर सॉरी फोर सी एन और यहां पर मैंने एम लगा दिया यहां पर एम का क्या मतलब है कितनी बार हम उसको रोटेट कर रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स तो एम दिखाता है नंबर ऑफ टाइम्स और एन दिखाता है यहां पर ऑर्डर तो फॉर सी एन एम एक्स विद एन इज इक्वल टू ईवन या ऑड और एम इज इक्वल टू ईवन ऑड यानी कि एन या एम आप कोई भी नंबर ले लीजिए वो इवन भी हो सकता है वो ऑड भी हो सकता है ये इवन ये ऑड हो सकता है ये ऑड ये इवन हो सकता है ये दोनों इवन हो सकते हैं ये दोनों ऑड हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो इनवर्स हमेशा ये निकलेगा सी एन और सी एन माइनस एम अब ये क्या है कैसे ये इसका इनवर्स निकला तो हम देखेंगे कि जब हम हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये इसका इन्वर्स है तो क्या करेंगे जिस एलिमेंट का हमने इन्वर्स देखा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर जो है वो ई e आना चाहिए अब देखते हैं कैसे ये हमारा ओरिजिनल एलिमेंट था इसका रेसिप्रोकल हम कह रहे हैं ये है अब ये कैसे है क्योंकि आंसर हमारा ई e आएगा कैसे आ रहा है देखिए सी एन ये हमने लिख लिया दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए अब क्योंकि बेस हमारा सेम है तो जितनी भी पावर होती है वो सब ऐड हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा सी एन एम फिर प्लस एन माइनस एम ये माइनस एम और ये प्लस एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सी की पावर सिर्फ एन बचेगी तो सी एन एन और मैंने आपको बताया था सी एन एन हमेशा ई e के बराबर होता है जो नंबर यहाँ लिखा है जो नंबर यहाँ लिखा है अगर दोनों नंबर सेम लिखे हुए हैं तो वो हमेशा ई e के बराबर है ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सीज और सिमेट्री जब समझाई थी तब बताया था कि ये सी एन एन हमेशा ई e के बराबर है तो प्रोडक्ट क्योंकि ई e आ गया इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इनवर्स ऑफ सी थ्री वन इज सी टू थ्री ये इसका इन्वर्स है क्यों क्योंकि अगर हम लिखेंगे C31 को तो C31 का इन्वर्स हम क्या लिख रहे थे हम n में से m को माइनस कर रहे थे यानी कि थ्री में से वन को माइनस करेंगे तो थ्री में से वन को माइनस करेंगे जैसे मैंने यहां लिखा है तो वो सी टू थ्री ही आएगा तो इन्वर्स चेक करने के लिए आपको सिर्फ इतना दिखना है कि इस इस ऑर्डर में से ये ऊपर वाला नंबर जो है माइनस कर देंगे या आप ये भी कह सकते हैं जो भी ज्यादा वाला नंबर होगा और ज्यादा नंबर हमेशा यही आएगा आपका माइनस में तो आंसर आने से ही रहा तो ये ये जो एन है हमेशा यहीं पर एन में से एम को माइनस कीजिएगा तो एन में से एम माइनस करेंगे तो वो आपका ऑर्डर निकल के आएगा तो जैसे थ्री में से वन माइनस किया टू आंसर आया और थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन आंसर आएगा तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बेस सेम रहेगा और पावर जो है ऐड हो जाएंगी और सी थ्री थ्री सी थ्री थ्री का मतलब क्या होगा सी एन एन दोनों नंबर सेम है दोनों नंबर सेम है तो ई e के बराबर होता है ऐसे अगर कोई पूछे कि सी फाइव टू का इन्वर्स क्या होगा तो आपको फाइव में से टू माइनस कर देना है फाइव में से टू माइनस करेंगे तो थ्री ऊपर लिखेंगे फाइव नीचे लिखा रहने देंगे तो सी फाइव थ्री हो जाएगा और पांच फाइव में से थ्री माइनस किए तो टू आंसर आया तो ये दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं क्यों अब हमने फिर से देखा C52 और C53 दोनों का जो पावर थी वो ऐड कर ली तो C55 यानी कि सी एन एन दोनों नंबर सेम है इसलिए ये E के बराबर हो गया ठीक है अच्छा अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ एस एन एक्सिस अब इनवर्स ऑफ एस एन एक्सिस क्या हो जाएगा एस एन एक्सिस के लिए हमारे पास कई सारे केसेस बनते हैं इसमें क्या है एस एन एम के लिए एन इज इक्वल टू तो ईवन ले लिया है और एम यहाँ पर ईवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है चाहे तो ये दोनों ईवन हो और चाहे ये दोनों एक ईवन और एक ऑड लो कुछ भी ले सकते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं तो इनवर्स जो निकलेगा वो ये निकलेगा जैसे सी एन के, के केस में निकला था सी एन के केस में भी तो सी एन माइनस एम निकला था वही यहां पर भी है तो अगर हम दोनों का इन्वर्स देखना है मतलब दोनों का प्रोडक्ट देखना है तो हम इसको और इसके इन्वर्स को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जो है वो ई आना चाहिए तो हमने एलिमेंट लिखा एलिमेंट का इनवर्स लिखा इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर बेस हमारा सेम रहेगा और ये पावर जो है जुड़ जाएंगी और ये प्लस एम है ये माइनस एम है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ऊपर बचेगा एन और एस एन एन अब एस एन एन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ये तो मैंने खैर एसोसिएटिव ऑपरेशंस ऑफ एस एन एन समझाए थे कि एक बार एस एन एन का मतलब ई e भी निकलेगा और एक बार एस एन एन का नंबर जब हम वो एन के नंबर पर डिपेंड कर रहा था कि वो ऑड है कि ईवन है पर यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आंसर आएगा हमारा मैंने आपको ये बताया था कि एस जो होता है वो हमारे दो सिमिट्री ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सी एन और हम सिग्मा लिखते हैं ठीक है सी एन और सिग्मा लिखा और जो भी इसकी पावर में लिखा है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि मैंने आपको तब भी समझाया था जब हमने एसोसिएटिव ऑपरेशन करवाए थे कि अगर सपोज हमें एस थ्री फोर देखना है तो हम क्या लिखेंगे इसको सी थ्री फोर और सिग्मा फोर तो ये दो सिमिट्री ऑपरेशन का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है तो जो नंबर यहां लिखा है वो हम सी के सी एन के साथ लिख देंगे और जो नंबर ऊपर लिखा है पावर में वो दोनों की पावर में लिख देंगे तो ठीक ऐसे यहां पर कर रखा है जो नंबर नीचे है वो सी के ऑर्डर के लिए क्योंकि एन जो है यहां पर ऑर्डर को शो कर रहा है और ये पावर को शो कर रहा है तो पावर हमने सी एन एन लिख दिया ठीक है अब सी एन एन मैंने आपको बताया कि ई के बराबर होता है और यहां पर एन क्योंकि हमने ई लिया है और मैंने आपको बताया हुआ है कि सिग्मा की पावर जब भी कभी ईवन होती है तो आंसर हमेशा ई e आता है ठीक है और जब दोनों को ई e, e है तो आंसर भी यहां पर ई e आया तो क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन या इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ई e के बराबर आया इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या इनवर्स है अब इसमें दूसरी सिचुएशन क्या होगी दूसरी सिचुएशन में होगा कि एन तो हमने ऑड लिया और एम हमने ई बन ले लिया तब क्या आएगा तब इनवर्स निकलेगा सी एन एन माइनस एम कैसे फिर हम क्या करेंगे इसी को जो हमने एलिमेंट लिया था और इसका इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर देखेंगे ई e आएगा कैसे सी एन एम को हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि सी जो SN होता है, वो दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन सी एन और सिग्मा अब क्योंकि पावर में एम लिखा है तो तो इसकी इसकी पावर पावर में में भी भी लिख लिख देंगे, लिख देंगे, ये ये तो ये हो गया. हमने है, ये M, हो बचेगा क्या? C, N, N, और सिग्मा एम एम यहां पर क्योंकि यहां तो पर ईवन नंबर है तो इसका मतलब सिग्मा का ईवन पावर जो होती है वो ई के बराबर होती है इसलिए यहाँ पर ई आंसर आपका आ जाएगा ठीक है तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे अब n ऑड और m ऑड जब हम दोनों ही ऑड ले रहे हैं यहाँ पर हमने एक बार ऑड लिया एक बार इवन लिया ठीक ठीक है तो इनवर्स निकलेगा sn 2n m अब ये 2n m कैसे निकला तो हम फिर से वही देखेंगे प्रोडक्ट हमारा ई e आना चाहिए तो ये हमने एज इट इज लिखा ये हमने ये दोनों क्योंकि हमारे जो बेस है वो सेम है तो ये पावर जो है वो जुड़ जाएंगी एम से एम कैंसिल ये ये प्लस है माइनस कैंसिल हुआ एस एन टू एन अब एस एन टू एन कॉम्बिनेशन है तो हमने सी एन लिखा सिग्मा लिखा पावर में टू एन टू एन लिखा हुआ तो ये हो गया ई e के बराबर अब ये देख लेते हैं कि सी एन टू एन ई के बराबर कैसे देखिए सिग्मा टू एन तो ई e के बराबर आ जाएगा क्यों क्योंकि एन का नंबर ऑड है कोई भी ऑड ले हम नंबर ही मान लीजिए सपोज मैंने आपको यहाँ पर देख लिया ये हमने लिया सी एन ठीक है हमने एन सपोज हमने एन की जगह लिख दिया थ्री ठीक है तो हम लिख रहे हैं सी थ्री और क्योंकि ये टू एन है तो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री तो ये हो जाएगा सिक्स फिर सिग्मा और फिर ये ये भी सिक्स हो जाएगा ठीक तो सिग्मा की पावर तो हमारी आ गई ई वन तो ये तो हो गया ई e के बराबर अब सी थ्री सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं सी थ्री थ्री और सी थ्री थ्री क्योंकि बेस अगर सेम है तो दोनों पावर जुड़ जाती हैं तो ये C3 थ्री सिक्स के बराबर हो जाएगा तो इसको हम C33 लिख सकते हैं इसको भी C3 तो दोनों का इस तर... और ये C33 मतलब सी एन एन यानी कि ये भी हमारा E है और ये भी हमारा e, ये दोनों E के बराबर हो गए जब ये दोनों E के बराबर तो यानी इसका जो आंसर है वो भी E इन ई e, और ये भी हमारा E तो आंसर हमारा E ही आएगा यहाँ पर तो आपको बस एन का नंबर देखना है यहां एन क्योंकि ऑड है कोई भी ऑड नंबर आपने फाइव ले लो थ्री ले लो सेवन ले लो कुछ भी ले लो आप लगा के देखिए हमेशा सी एन एन ही आंसर आएगा मतलब कर सकते हैं हम उसको सी एन एन में चेंज जैसे हमने सी थ्री सिक्स को चेंज कर दिया सी थ्री सिक्स को हमने चेंज कैसे किया सी थ्री थ्री और सी थ्री थ्री इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी थ्री थ्री भी ई e है ये भी e है और सिग्मा 2n तो हमारा e है ही और इसका प्रोडक्ट हमेशा e आएगा तो इस तरह से हम ये इनवर्स को निकाल सकते हैं तो अगर हम इसका एक टेबल बनाना चाहें sn के केस में यानी snm की इनवर्स क्या होगा इनवर्स हमारा snn n m कब होगा जब n की वैल्यू इवन m की वैल्यू इवन snn n m यानी कि ये तो हमारा सेम रहेगा अगर हम n इवन ले रहे हैं n अगर हमारा M से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर जब हम एन ईवन ले रहे हैं चाहे हम ईवन लें चाहे ऑड लें यही आना है ठीक है लेकिन जब एन हम ऑड लेंगे दोनों केसेस में एन यहां पर भी ऑड है यहां पर भी ऑड है बस एम के केस में जब हमने ईवन लिया तो सी एन एन माइनस एम हो जाएगा और एम जब हम ऑड लेंगे तो एस एन टू एन माइनस एम हो जाएगा तो ये सारे रेसिप्रोकल्स हैं एस एन एम के लिए कंडीशंस यहां पर बता दी गई हैं ईवन के केस में हमेशा यही रहेगा एन अगर ईवन है लेकिन एन अगर ऑड है तो हमारे पास दो सिचुएशन बन जाएगी एक बार एम ईवन के साथ और एक बार एम ऑड के साथ तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा है ये वैसे ज्यादा याद करने में कोई परेशानी भी नहीं है देखिए एस एन एन माइनस एम आपको याद रहेगा सी एन एन माइनस एम हमारा सी का भी रेसिप्रोकल निकल रहा था और यहाँ पर सिर्फ एक टू ही तो लगाना है तो बहुत सिंपल है एक बार अगर आप देखेंगे तो याद हो जाएगा कोई ज्यादा उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो ये सारे आज जो थे हमने रूल्स डिस्कस किए कौन कौन से मैथमेटिकल रूल्स हैं जो हमें करने चाहिए तो जैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके थियोटिकल एग्जाम आता है तो आपने पॉइंट ग्रुप की डेफिनेशन लिखी पूरा पॉइंट ग्रुप क्यों कहते समझाया फिर हमने इसके क्लोजर रूल को दिखा दिया ये पूरा क्लोजर रूल इसमें जो था वो